أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.

आपको हमारे प्रोग्राम किड्स में शाम मदद करते हैं और किड्स मदन चले के नाजिन की बाद हम करते हैं किड्स मदनी चले के नाजीन से आज का सवाल जी आज का सवाल मदनी चले के नाजीन के लिए आज का सवाल बच्चों में सबसे पहले ईमान किसने कबूल कि किया हजरत अली या हजरत अनस और आज भी इंशाल्लाह मुकाबला होगा देखेंगे कि फ़र्स्ट जो कॉलर हमारा कौन विनर होता है सेकंड कॉलर कौन विनर होता है और थर्ड कॉलर कौन विनर होता है अच्छा ये जज मैंने नहीं करना इधर किसने करना है आप लोगों ने उबैद भाई आपने करना है दानियल भाई आपने करना है अहमद भाई आपने करना है सादान भाई आपने भी करना है और बाकी जो जितने भी मौजूद हैं बच्चे सब ने जज करना है जज आप हैं और कॉल जिनके आएंगे इंशाल्लाह शुरू देखेंगे कि फ़र्स्ट कॉल किसकी थी सेकंड कॉल किसकी थी और थर्ड कॉल किसकी थी इंशाल्लाह रजल उनको कारी साहब की दुआओं से भी नवाज तो आज इंशाल्लाह रजल हमारा सेगमेंट भी होगा जिसका नाम थे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन तो बड़े अपने सेगमेंट की जानिब तो आइए बढ़ते हैं अपने सेगमेंट जाने और पहला सेगमेंट बड़ा ही अनोखा सेगमेंट जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन नदीम हाँ। सीखे और दुनिया को सिखला

जी कार साहब इन शजल अभी हम बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की जानेब और अपने सेगमेंट को आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं और इसके होस्ट हैं हमारे कौन कार साहब कौन होस्ट हैं सेगमेंट के कार साहब जी कार साहब आप अपना सेगमेंट शुरू कीजिए जी हाँ प्यारे बच्चों और बल्दी चैनल के नाजीन आप सबको असलकुम वरम वरकू कई फहलुकुम अल्लाह जी हाँ हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन एक बार फिर हाजिर हुए हैं हम आपका प्यारा प्रोग्राम हम सब का प्रोग्राम प्यारा प्रोग्राम बच्चों का भी बड़ों का भी जी हाँ कुरान पाक अच्छे अंदाज से सीखना है समझना है और अमल भी करना है तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन जब कुरान पाक पढ़ना है कोई भी नेक अमल करना है अच्छा अमल करना है तो अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर करना है दिखलावे के लिए नहीं कोशिश करें अल्लाह पाक हमारे उस अमल से राजी हो जाए जी हाँ जब को, कोशिश करें कि जो भी नेक और अच्छा काम करना है अल्लाह पाक की रजा की खातिर करना है और प्यारे बच्चों और मदे चल के नाजिन कुरान पाक भी अल्लाह पाक की रजा की खातिर अच्छे अंदाज़ से पढ़ना है जैसा हुक्म है जैसा अल्लाह तबारक वाली ने हुक्म हमें फ़रमाया है कि ना अनना क़ुरबीआ कि बेशक हमने कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल फ़रमाया तो कुरान पाक जब पढ़ना है अरबी ज़बान में पढ़ना है और मेरे अकालसलात ने एक मक़ाम परसाद फ़रमाया इकरान बिल्लाबीआवा के कुरान पाक को अरबों के लबो लहजे पर और उनकी आवाज़ों पर पढ़ो तो कुरान पाक पढ़ने का जो हुक्म है जी हाँ अरबों के अंदाज़ से पढ़ने का हुक्म है अरबी ज़बान में पढ़ने का हुक्म है कुरान पाक अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और हमें इसी तरह पढ़ना है एक मक़ाम पर मेरे अकालसलाम ने शाद फरमाया फ़रमायान क़मा ज़िला कि बेशक अल्लाह तबारक व ताला इस बात को पसंद फरमाता है कुरान पाक इसी तरह पढ़ा जाए जिस तरह नाजिल किया गया है और नाजिल कैसे हुआ है कुरान पाक तजवीद के साथ नाजिल हुआ है अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है जी हाँ अल्लामा जसरी अमा अल्ला फ़रमाते हैं वजवीदम कुरान आसमान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ज़रूरी है जो कुर पाक को तजवीज़ से नहीं पढ़ता वो गुनागार है तो कुरान पाक हमने जब पढ़ना है तजवीद के साथ पढ़ना है और तजवीद क्या है हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफात के साथ अदा करना ये तजवीज़ कहलाता है जब हम हर्फ को उसके सही मखरज से पढ़ेंगे उसकी सिफात से पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाजीन कुरान पाक दुरुस्त होता चला जाएगा जी हाँ जब भी हमने कोशिश करनी है और कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ना है और इसका मखरज भी होता है जैसे किसी हर्फ का मखरज क्या है मिसाल के तौर पर बा इसका मखरज ये दोनों होंठ अब बा जब होंठों से अदा होता है दोनों होंठ तर हिस्सा मिलता है तो अदा होता है बा इसी तरह हम अदा करते हैं हा हलक के दरमियान वाले हिस्से इस इसी तरह मीम अदा करते हैं होंठों से मीम इसी तरह वाऊ अदा करते हैं होंठों की गोलाई से व तो यहाँ ये प्यारे बच्चों और मदी चल के नाते जब हम मखारिज को समझ लेंगे सीख लेंगे और उनकी सिफ़ात के कौन सा और कैसे जैसे किसी हर्फ में सिफत इस्तेला इस्ते होती है जैसे हर्फ मुस्तलिया हरूफ कलकला जी हाँ उर्फ़े तफशी होता है किसी कोई हरफ हरफ तफशी है और किसी में उर्फ़े सफ़ीरिया भी होते हैं जी और कोई हरफ इस्तितालत भी होता है तो हमने इन चीज़ों को सीखना है हरफ को उसके मखरज से भी अदा करना है उनकी सिफात को भी समझना है उनसे अदा करना है तो प्यारे बच्चों और मर्दी चल के नाजिन बढ़ते हैं हम अपनी आयत की तरफ तो कुरान पाक में शुर मुल्क आजकल हम सुरह मुल्क पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं समझ रहे हैं और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाराज हैं सुरह मुल्क की आयत नंबर तीन उसका बकिया हिस्सा क्योंकि जमेरात को हमने उसका हाफ़ हिस्सा पहले पढ़ा था और उसका जो बकिया हिस्सा रहा हुआ है वो इन श्ला आज पढ़ेंगे तवज्जो के साथ पहले सेगमेंट होता है पहला मरला होता है हमारे पहले सेगमेंट में पहला मरला क्या होता है तवज्जो, तवज्जो से सुनना और दूसरा मरला होता है और तीसरा मरहला होता है से पढ़ना। और चौथा मरहला होता है से सुनाना। जी हाँ, प्यारे बच्चों और के नाजी यहाँ मौजूद बच्चे भी सुनाएंगे और आपने भी सुनाना है आज तो आयत का छोटा हिस्सा है जी हाँ आराम से आसानी से आप सुना सकते हैं अगर आप अच्छे अंदाज से सुन लेंगे पढ़ लेंगे सीख लेंगे समझ लेंगे तो आप सुना भी पाएंगे तो आगे बढ़ते हैं पहले तवज्जो के साथ إس آية کو سماعت فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارجع البصر هل ترى من فطور

जुमेरात को पढ़ चुके उसका बकिया हिस्सा इनशा आज उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे भी और सुनाएंगे भी तो मेरे साथ मिलकर जब भी कुरान पाक पढ़ना है उससे पहले तावु और तस्मिया भी पढ़ना है रजीम। फिल प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन फ़ा की अदायगी क्लियर करना है फ़ा का मखरज है किसको याद है ईजी भी है और मुश्किल भी है जिसने याद कर लिया उसके लिए प्यारे बच्चों आसान हो गया और जिसने याद नहीं किया उसके लिए मुश्किल है तो जब कोई चीज़ हम याद कर लेते हैं तो वो मखरज हमें याद हो जाता है मिसाल के तौर पर हमने कहा बा तो बा कहाँ से अदा होता है दोनों होठों के तर हिस्से से तो याद हो गया तो हमारे रहमान भाई फा का मखरज बताने जा रहे हैं जी रहमान भाई माइक लीजिएगा ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे नीचे वाले होठ के तर हिस्से से अदा माशा माशा जी हाँ आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि ऊपर के दांतों के किनारों से जब ऊपर के दांत के किनारे नीचे वाले होठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फ़ा क्या अदा होता है फा क्या अदा होता है फ़ा क्या अदा होता है तवज्जो रखनी है और फ़ा को हमने रा से मिलाना है अच्छा ये अलिफ दरमियान में जो आया ये हम नहीं पढ़ेंगे ठीक है डायरेक्ट फ़ा की ज़बर हम रा से मिलाएंगे और रा साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो रा को बारीक करेंगे या पुर कौन बताएगा दानियाल भाई या अहमद भाई अहमद भाई बताइए माइक लीजिएगा अहमद भाई जल्दी मोहम्मद अहमद पुर पुर पढ़ेंगे और रात से पहले पेश आ जाए तो तो भी पुर और रागिन से पहले ज़ेर आ जाए तो बारीक माशा आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है राग को यहाँ पुर पढ़ेंगे रागिन से पहले प्यारे बच्चों जबर आ जाए या रा से पहले पेश आ जाए तो उसको पुर पढ़ते यहाँ जबर है या कभी रागिन से पहले पेश भी होती है तो भी हम राह को पुर पड़ेंगे और राजह से पहले ज़ेर आने की वजह से बारीक पढ़ते हैं और यहाँ पर जीम की अदायगी पहले ये बताइए जीम का मखरज क्या है कौन से हरूफ में से है मखारिज के लिहाज से जी जाजान भाई बताइए टीम ए से हरूफ शजरिया में माशा आपका जवाब दुरुस्त है और हरूफ शजरिया कहाँ से अदा होते हैं ये भी थोड़ा बताए याद आ रहे आपने जवाब आदत दुरुस्त दे दिया है मगर इसका मखरज जी किसको याद है दानियाल भाई को ज़हन में आ रहा है जी दानियाल भाई बताएं। दोनों दांत जब मिलते हैं तब होता जीम और या। बस आपने थोड़ी सी ग़लती कर, कर दी कि दांत नहीं मिलते इसमें जबान का दरमियान और तालू का दरमियान मिलता है अच्छा क्या रहमान भाई क्या बता उबैद भाई बताना चाह रहे थे जी क्या माइक में माइक में बताइए जबान का दरमानिया दरमियाना और तालु से लगता है ऊपर के तालु का दरमिया हिस्सा माशा माशा जी हाँ हाँ वस्ते जबान जबान का दरमिया हिस्सा और ऊपर वस्ते तालु तालु का दरमिया हिस्सा जब मिलते हैं तो अदा होते हैं जीम शीन और या और जब प्यारे बच्चों और मर्दी चैनल का नाजे इनको कहते हैं शजरिया क्या कहते हैं इनको शजरिया। शजरिया कौन कौन से है जी, या। जी, या। अब इसका मखरज भी याद कर लीजिए मखरज क्या है इसका जी मिलकर बोले जबान के दरमियान और ऊपर के तालु के दरमियान से और ऊपर के के तालु दरमियान से माशाल्लाह माशाल्लाह और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजन जीम की अदायगी बस बच्चे बड़े छे जैसा करते हैं ऐसा भी नहीं फ़र जीअल क्या पढ़ेंगे फर जील जी जीम को जीम रखना है चे नहीं करना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखेंगे और आइन की अदायगी जी हाँ आयन का मखलज क्या है कौन से हरूफ में से है माशा टीम ए से एक हाथ खड़ा है और टीम बी से तीन हाथ है माशा जी हम टीम ए से पूछ लेते हैं जी से दानियाल भाई जाजान भाई जाजान भाई बताइए हल्की में से और हलक के दरमियान वाले से होते दे माशा अल्ला, माशा अल्ला। और प्यारे बच्चे और मदी चल के नाजी लाम को हिलाना नहीं है इस चीज का खास ख्याल रखना है बा पर भी जबर है और रा पर भी तीनों को बगैर खेचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं हरकत को कैसे पढ़ते, पढ़ते हैं जी मारूफ पढ़ते हैं नरमी से कि ये क्यों आती है नरमी से नहीं कहेंगे मारूफ पढ़ते हैं क्या करते है? मारूफ चुके हैं चुके बाद मरतब बारूफ़ हम सख्ती से अदा करते हैं तो फिर उनमें नरमी कैसे होगी जी हाँ तो प्यारे बच्चे और मदी चैनल के नाजिन हरक़ को बगैर खेंचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं और यहाँ पर सौद अच्छा बा का मखरज कौन बताएगा मैंने अभी अभी बा का मखरज बताया था अभी 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 बा का मखरज दो मरतबा दोहराया तो आपको याद हो जाना चाहिए जी बा मखरज आप आप कोशिश भी करें आप जब बा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मखरज क्या है पढ़ें बा, बा। तो मखरज क्या बना जी उवैद भाई बताएंगे जी उबैद भाई बताइए दोनों ऑटो के तर हिस्से से दोनों ऑटो के तर हिस्से से अभी बताया था कि ऑंटों के मिलने से बादा होता है दोनों ऑटो के तर हिस्सा जब मिलते हैं जब दोनों ऑटो के तर हिस्से को हम मिलाते हैं मिलाते हैं तो क्या अदा करते हैं बा क्या अदा करते हैं बा।, बा और मीम कहाँ से अदा होता है ये कौन बताएगा ये भी वहाँ से करीबी जी सोच लें सोच लें फिदा रहमान भाई बताना चाह रहे हैं आप बताएंगे अहमद भाई को दीजिएगा मोहम्मद अहमद भाई बताइए खुश्क जगह ऑटो के के हिस्से से जगह से जी हाँ दोनों ओंटों के खुश्क हिस्से से मदनी चैन के नाजीन और प्यारे बच्चों अदा होता है और बादा होता है होटो के तर हिस्से से माशा माशा और सौद ये कौन से उर्फ़ में से जी मखरज के लिहाज से भी बताए सिफत के लिहाज से भी बताए और सिफात तो इसमें और भी है दो दो तीन तीन जी तो जाजान भाई बताएंगे और कोई सोच रहा है जी दानियाल भाई दानियाल भाई बताएं दानियाल भाई से अभी तक जी ऊर्फ मुस्तालिया।, मुस्तालिया ये तो आपने बताया इसकी सिफत एम इसका मखरज क्या है ये कहाँ से अदा होता है जी कौन बताएंगे उबैद भाई बताएंगे जी उबैद भाई बताइए माइक लीजिएगा उर्फ सफीया मुझे भी र्फ सफीया ये भी सिफत है अब मखरज मखरज क्या है जी माशाला हमारे मुबीन भाई ने बता दिया हरूफे असलिया में से हैं कितने हरूफे कौन कौन से सीन सी, और यानी जबान की नोक इसका मकरद जो है प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन जबान की बिल्कुल बारीक नोक और सनाया सुफला माँ इक्तिसाल यानी कुछ मिला हुआ ऊपर के दांत नीचे के दाँत और ऊपर के दाँत जब मिलते हैं और जबान की नोक आगे आती है तो अदा होता है जा सीन और सौद माशाल्लाह माशाल्लाह और सिफत के लिहाज से हुरफे में से भी है ये हमारे रहमान भाई ने उबेद भाई ने बताया था जी उबेद भाई ने बताया था और एक और सिफत है जी कौन सी क्या नाम है ज्यादा मोटे मोटे क्या कहते हैं रहमान भाई बताएंगे सिफत स्टेला और सिफत इतबाक इत्बाक। इत्बाक। माशा सिफत इस्तिला भी पाई जाती है सिफत इतबाक भी है उर्फ मुस्तादिया में से भी है उर्फे मुतबका में से भी है एक्स्ट्रा मोटे रूफ़ एक्स्ट्रा मोटे रूफ़ कितने हैं चार कौन कौन से तो, 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 तो। अच्छा ये बताइए दानियाल भाई ये तो गॉँव है नाक में आवाज हाँ ले जाएंगे आप भूल जाते हैं। नाग में आवाज जाएगी कौन बताएगा नहीं। नाग में आवाज जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी भी नहीं जाएगी पक्का याद रखें प्यारे बच्चे और मर्दी चैनल के नाजिन जब हम तो पढ़ेंगे वॉ पढ़ेंगे तो नाग में आवाज़ नहीं लेके जाएंगे थोड़ी सी भी नहीं जानी चाहिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना है और रा पर जबर आने की जैसे रा को पुर पढ़ेंगे माशाल्लाह फिर पढ़ते हैं हल तरो माशा हाँ की अदायगी हा का मखरज हाँ बहुत ईजी है कौन बताएगा जी अहमद भाई बताना चाह रहे हैं क्या आपको भी याद है नहीं याद अहमद भाई बताना चाह रहे हैं जाजान भाई से पूछते हैं जाजान भाई बताइए हलक के नीचे वाले हिस्से से और हल्की में से हैफे हल्की में से है और हलक के नीचे वाले हिस्से से जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशा अल्लाह और लाम को हिलाना नहीं लाम को क्लियर अदा करेंगे और लाम नून रॉ का भी एक मखरज है किसको याद है, है। कौन से हरूफ कहते हैं इनको जी अहमद भाई याद है कोशिश करें बताएं नहीं इसका पौ तो से आता है तरफिया में से है माशा जी हाँ लाम ला, नून रा इनका मखरज जो है जबान का के किनारे और ऊपर के दांतों की जड़ के ऊपर जो हिस्सा होता है तालू होता है वहां से ये अदा होते हैं लाम नून और रा इनको क्या कहते हैं तरफिया क्या कहते हैं उर्फे सब मिलकर बोले उर्फे उर्फे जी हाँ लाम माशाल्लाह माशा, माशा ताकि अदायगी क्लियर करनी है और ताभी अभी आपने नाम लिया था कौन से उरूफ में जी अभी नाम लिया गया है जी जाजान भाई बताइए नहीं कौन से मखारिज के लिहाज से कौन से उरूफ है? तरफिया।, तरफिया तो लाम नून रॉ है जी फिदा रमान भाई बताएंगे नित्रिया नितइया नित्रिया जी हाँ अभी नित्रिया का भी नाम लिया था नित्रिया कितने हैं कौन कौन से ता, ता, तो। जी सब मिलकर बोले कौन कौन से ता, दा, ता। दा, दा, तो। जी हाँ अच्छा बाद बच्चे ता दाल तो या आगे तो आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चे और मदी छा जबर है रा को पुर पढ़ेंगे क्या करेंगे यहाँ रा पड़ेंगे खड़ी अरकात को एक अलिफ खींच कर अदा करना है और प्यारे बच्चों और मदिन चे के नाजीन यहाँ नून साकिन के कायदों में से कायदा यहाँ मौजूद बच्चे भी बताने जा रहे हैं और आप भी बता सकते हैं इस कायदे को तो ये कायदा है कौन सा यहाँ मौजूद बच्चों में से टीम ए से दो हाथ हैं और टीम बी से तीन हाथ हैं अब तीन तीन बराबर हो गए तीन तीन माशाल्लाह तो बताइए कौन सा कायदा है हम पूछते हैं आपको याद है जी अपना नाम भी बताइए आप माइक लीजिएगा सीधे हाथ से लेना है सीधे हाथ से देना है माशाल्लाह जी क्या नाम है आपका मेरा नाम हमजा है हमजा है हमजा भाई बताइए यहाँ कौन सा कायदा लगता है इक्षा। इक्षा, इक्षा की माना क्या है जी दानियाल बताएंगे जी दानियाल भाई नून को छुपाना नून छुपा कर अदा करना जी हाँ एक की माना है छुपाना और नून को छुपा कर अदा करते हैं और एक अलिफ का अदा अदा करते, करते माशाला माशा प्यारे बच्चे और मदी चैनल के नाम की अदायगी ऊपर पहले भी गुजर चुका फाक अदायगी जी हाँ ऊपर के दांतों के किनारे और नीचे के होंठ के तर हिस्से से अदा होता है फा और प्यारे बच्चों पौ आ गया जी अब यहाँ पर समझाना है कि पौ किस तरह अदा होता है कौन से में से दानियाल बताइए अहमद भाई से पूछते हैं अहमद भाई बताइए माइक लीजिएगा बताइएगाइया कितने हैं कौन कौन से दा, दाल, दाल, दाल।, दाल, दाल दाल अगर पौ तो दाल ता करें या ता दाल पौ करें दोनों सही हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं दानियाल भाई क्या कहते हैं दोनों सही है तो या तो अच्छा बाद बच्चे प्यारे बच्चे और मदी चलेंगे नाजिन तो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं तो नाक में आवाज़ ले जाते हैं तो इसी तरह पढ़ते हैं वो ये तो ये नहीं इसको पढ़ना है तो क्या पढ़ना है तो मोटा करके तो और इसी तरह व मिलकर पढ़े तो, 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 तो। अच्छा होंट गोल करेंगे होंट भी गोल नहीं करेंगे ऐसे नहीं तो ऐसे भी नहीं बगैर होट गोल किए ची तो। तो। अच्छा एक चीज तो की अदायगी में बास बच्चे बड़े जो है इसको पढ़ते हैं थ क्या पढ़ते हैं तो ये नहीं है ये है प इसको मोटा करना है मगर ऐसी आवाज़ ना आए कि जैसे ता में होती है तादीदा महमूसा हर्फ होने की वजह से ता के अंदर आवाज़ आती है अत। अत। मगर पौ के अंदर नहीं आएगी शदीदा मजहूर हर्फ है मुश्किल है थोड़ा मगर याद कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा जो बच्चे याद कर लेते हैं उनके लिए आसान अब शदीदा महमूसा हर्फ कौन कौन से हैं यहाँ मौजूद बच्चों ने याद कर लिया है जी जाजान भाई बताइए कौन से हैं ताफ़ और तादीदा महमूसाराशा शिद्दत की वजह से सख्ती के साथ आवाज बंद होती है और पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहता है तो आवाज आती है जी हाँ अत। अत। इत। 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 और इसी तरह उकएगी अक एक। एक। उक माशाला माशाला तो आपने प्यारे बच्चों और मदनी चलन की नाजी तो इसको भी अच्छे अंदाज़ से समझा कि तो जब आता है इसको ऊँटा भी पढ़ना है नाक में आवाज़ भी नहीं लेके जानी और इसको ख्वा तो करके भी नहीं पढ़ना जी हाँ इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है और प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन वा मद्दा के बाद जी हाँ फफ करेंगे तो कौन सा कायदा होगा रायपुर होगा कि बारीक होगा यहाँ पर कुछ कायदे लग रहे हैं कौन बताएंगे जी सोच रहे हैं अहमद भाई बताएंगे जी अहमद भाई बताइए वाव मद्दा और मद आरिज हो रहे वाव मद्दा और मद आरिज जी हाँ वाव मद्दा के बाद जब आरजी सुकून आ जाएगा तो वहाँ ऑटोमेटिक मद आरिज हो जाएगा उर्फ़े मद्दा कोई भी हो, मद्दा हो या मद्दा हो वाव मद्दा हो और आर्जी सुकून जी हाँ रा को हम आरजी तौर पर साकिन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माशा और यहाँ गई अब यहाँ रा को पुर पढ़ेंगे अब देखिए उससे पहले तो साकिन अर्फ है मगर उससे पहले वाले अरब पर पेश है तो प्यारे बच्चों और मदी चल के नाजीन जब कभी रा साकिन हो जाए उससे पहले वाला हरब भी साकिन हो और उससे पहले देखेंगे कि अगर पेश वाला हर्फ है तो मोटा ज़बर वाला है तो भी रा पुर हो जाएगा मोटा अदा करेंगे और जेर आ जाए तो बारीक होती है तो यहाँ पर भी हम रा को पुर अदा करेंगे और ये कायदा है मद का माशाल्लाह माशाल्लाह उम्मीद है प्यारे बच्चों और मदी चल के नाज़िन आपने अच्छे अंदाज़ से समझा होगा माशाल्लाह माशा माशाल्लाह ये प्यारे बच्चों और किड्स मदि चल के, के नाज़रीन आइए बढ़ते हैं हम कुछ कॉल्स की जानिब और देखते हैं कि बच्चे हमें कॉल्स में क्या कह रहे हैं कॉल्स सुनने से पहले मैं आपको रिमाइंडर बात करा दूं कि आप आप जज हैं और आपने जजमेंट करनी है कॉल्स की जी तो स्टार्ट करते हैं कॉल्स जी जहा प्यारे मिटर पैर कल पाप में आज आपको कुछ आया तो सुनाऊंगा जी मिलवा कल्लिया मुल्को शीर الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباكا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فوق البصر هل ترى من خطور माशाल्लाह माशाल्लाह शाहपुर जहानिया से क्या नाम था जी दानियाल भाई शाह जमान तारी शाहपुर जहानिया जम... से माशाल्लाह आपने सुर मुल्क सुनाई अच्छे अंदाज से कोशिश की मगर कुछ गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को आपने दुरुस्त करना है माशा तब कल लगी जहाँ जहाँ राय तो प्यारे बच्चे आपने रा को पुर करना है काफ को बारीक रखना है बेदी हिल मुल्क में भी काफ बारीक वह अलाकदीर कौफ यहाँ पर पुर हो जाएगा और कलका को और खूब अच्छे तरीके से वाज करें हा की अदायगी भी क्लियर होनी चाहिए और आखिर में फ़ौरजिल बसौरा यहाँ पर भी आप कोशिश करें रा को पुर अदा करें ऐन की अदायगी सौद की अदायगी राह पुर अदा करें माशा आपने अच्छी कोशिश की अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की खूब बरकतों से मालामाल नेक्स्ट कॉल मेरा नाम अहमद रजा है मैं सदकाबाद से आज कर रहा हूँ मुबीन भाई मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जी जी जज़ाकल्लाहु खैरा माशाल्लाह माशाल्लाह आपने सवाल का जवाब दिया अच्छा ये कौन थे देखें रेजिमेंट जी दानियाल भाई अहमद रजा जी अहमद रजा अहमद <coughs> रजा <coughs> कौन है माशा कहाँ से जाना है माशा जी मेरे बच्चे हमारे जो हमारे अहमद भाई जिन्होंने कॉल की अच्छा आपकी जो कुछ गलतियाँ हैं नाम लेने में तो सबसे तो पहले तो जो है रजी तो ये रजी अल्लाहआन होता है तो रजी अल्लाह जो है उर्दू में बोला जाता है लेकिन हमें क्या इसमें बोलना है अरबी में बोलना है अरबी में क्या बोलते हैं

माशाल्लाह माशाल्लाह आयशा तारिया मिंचिना से माशाल्लाह ने सवाल का जवाब दिया जी फातिमा फातिमा तारिया जी जी माशाल्लाह जी आपने सवाल का जवाब दिया क्या जवाब दिया हजरत आयडी رضی अल्लाह تعالی عنہ ماशाल्लाह नेक्स्ट कॉल मोहम्मद अहमद तारि मोहम्मद थल्हा तारिया और पेश कर रहे हैं आज हम ये नारे लगाएंगे मोहम्मद मुस्तफा सबसे अकरीबी अहमद

और, और जी माशा अहमद भाई और भाई आपने कॉल की और नारे भी लगाए माशा प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चले के नाजिन आइए बढ़ते हैं अब हम अगले जाने जिसका नाम है तोज्जो से तवज्जो के साथ पढ़ना है और आगे पढ़ना है यहाँ प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजीन तवज्जो के साथ आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है क्यूँकी मन जद्दा जी जोर से मन जद्दा तो कोशिश करता है वो हम कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन इन इस आयत के हिस्से को अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है सुनाना भी है यहाँ मौजूद बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और आपने भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है और सुनाना भी है तो प्यारे बच्चों और मदनी चल के नाजिन तवज्जो जी हाँ जब तक तवज्जो नहीं होगी तो आप सही संदाज में न सुन पाएंगे न समझ पाएंगे न पढ़ पाएंगे और न सुना पाएंगे सब कामों के लिए क्या होनी चाहिए तवज्जो तो तवज्जो के साथ इस आयत के हिस्से को पढ़ें मेरे साथ मिलकर अऊज़ु बिल्लाहि من शैतानिर रजीम अऊज़ु बिल्लाहि من शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورِ माशा माशा आपने अच्छे अंदाज से पढ़ा और अब सुनाना है तो मदी चल के नाजीन यहाँ मौजूद बच्चे सुनाने जा रहे हैं आप भी जल्दी दिखना सबक सुनाइए तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम जाजान भाई की तरफ जी जाजान भाई जी हाँ स्वाद के बाद राको भी पुर रखना है अच्छे से बड़ा, माशाल्लाह। जी आप पढ़ेंगे जी पढ़ के सुनाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाज बलता फ माशा, था। माशा था। बहुत अच्छे से पढ़ा और अहमद भाई की तरफ बढ़ते हैं अहमद भाई भी कोशिश करेंगे अच्छे अंदाज से पढ़ने की الْبَصَرَ من बलता जी थोड़ा सा ऐन की जेर को जो है फौज जी जीम की जेर आन की जेर दोनों वाजे करें जेर

जी और अच्छे अंदाज से अहमद भाई मेहनत करना है अच्छे अंदाज से क्योंकि जो मेहनत करेगा वो पालेगा तो दानियाल भाई अच्छे अंदाज से सुनाने की कोशिश करें जी दानियाल भाई माशाल्लाह जी और एक मरतबा अच्छे अंदाज से जरा फर्जूरो माशा हा की अदायगी क्लियर रखनी है हा और हा दोनों में फर्क क्लियर होना चाहिए इस चीज का भी खास ख्याल रखना है और त और ता ता बारीक होता है तो मोटा होता है फर्जिल बसरो हल तरा ता और हल तरो तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और प्यारे बच्चे और मंदिर चल के नाजिन अब बढ़ते हैं हम हदर और तरतील की तरफ जी हाँ तो हम पहले पढ़ेंगे हदर में और यहाँ मौजूद बच्चे बड़े बच्चे हमारे साथ साथर में शामिल होंगे

थोड़ा सा थोड़ा बढ़ाकर दोबारा पढ़े माशा माशा आप छोटे बच्चों में कौन सुनाएगा अच्छे अंदाज से तरतील में साजान भाई सुनाएंगे जी साजान भाई बड़ा माइक लीजिएगा आपने ज, रा को ज्यादा बारिक नहीं करना फिर जिल बहुत सॉ राखना है दोबारा माशा जद जी आप भी सुनाएंगे कोशिश करें हमजा भाई से भी सुन लेते हमजा भाई बाइक लीजिएगा जी अच्छे अंदाज से

तरतील कहते हैं प्यारे बच्चों और मदी चल के नाजीन खूब ठहर ठहर कर पढ़ना जैसे हम अगर स्पीड से पढ़ेंगे तो हदर हो जाएगा और दरमियाना तदवीर होता है और बहुत ठहर कर पढ़ना तरतील होता है तो आयत को पढ़ेंगे कैसे माशाल्लाह मन जद्दा जो कोशिश करता है वो पा लेता है माशाल्लाह माशाल्लाह <laughs> माशाल्लाह माशाल्लाह <laughs> प्यारे बच्चों और किड्स मेरी शरीक नाज़िना ये बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है बच्चों की महफिल नदी में हाँ। सीखे और दुनिया को सिखला

सईद भाई माशा कुर्बान में उनकी बख्शिश पे सुबह जी हमारे फिदा रहमान भाई उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते माशा माशा दुआएं बढ़ते हैं हम और बैद भाई की जाने जी बैद भाई सल्लल्लाहु

ان شاء الله اي برتين في دار الرحمن ملكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والنك ماں جو

सभी जगह के नाजिन इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का वक्त इस्लाम पहुँचा इन शाला तो मुझे आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में हमें तो हमद रखिए अपना खास का ख्याल रखें सलूबीब सहमद सल्लाबारिक हो जाओ बच्चों रेडी खजाना आ गया अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया नदी में सीखे और दुनिया को सिखला बच्चों का मदनी चैनल आ गया बच्चों का आ गया आ गया